गाइस खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नए ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने, आप लोग कैसे हो, अच्छे होंगे। अभी 9 बज रही है मॉर्निंग की, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। अब सब काम निपटाया मैंने, अभी मैंने कहा न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। अच्छी धूप निकली है आज तो, अच्छी बहुत ज़्यादा धूप निकली है। अच्छी गर्म धूप निकली है तो कपड़े भी सूख जाएंगे अच्छे से। वैसे कपड़े डेली वाले हैं, ज़्यादा कपड़े तो धो लेती हूँ संडे वनडे। ब्लॉग देखना जरूर मेरा। अब टर्निंग की 2:40 हुई है, गेहूँ पिसाना है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। गैस की टंकी सवेरे से खाली हो गई थी, नंबर लगाया अभी लगाई नहीं। कल बहुत सारा काम किया, बर्तन वगैरह पूरे क्लीन करे सब डब्बे, ऐसे काम चलता रहा। अभी कैसा लग रहा है, एकदम बिना 16 शराब में ऐसा लगता है एकदम सन्नाटा। अभी 9 दिन देखे इतनी धूमधाम मचेगी, बहुत अच्छा लगेगा 9 दिन तो बिल्कुल। इसमें क्या पानी आ रहा है, क्या पता नाल आ रही पानी, कभी आता है। ये नर्मदा जल है हमारे यहाँ का, ये नर्मदा जल है ओंकार जी ने ना जो नर्वा था उसका नर्वा था। फ्रिज भी क्लीन किया मैंने, और 8-15 दिन होते कि फिर करना पड़ता है। करना ही पड़ता है, और सब चीज़ें मैंने तो धूप लगी क्योंकि बारिश के मौसम में सब ये हो जाता है, ये जीरे वगैरह सबको धूप लगा के रखते हैं पूरा, तो बहुत वो हो जाता है। इसमें गोने जो लड्डू वड्डू में डालते हैं देसी गोने, इसको डीक भी बोलते हैं गांव में, डीक भी बोलते हैं। ठंडी के लिए अच्छा रहता है, गोलकारी देता है। आज ना हल्का हल्का सिर भी दुख रहा है और गला भी भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी जुकाम में गला दुख रहा है। उसके लिए मैं घरेलू उपाय बनाती हूँ, ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेती हूँ, तो मैं आपको बताती क्या करती हूँ मैं। गला वगैरह खांसी, गला साफ नहीं हो रहा है, बलगम हो रही है, खांसी हो रही, सिर दुख रही, तो ये मैंने 20 काली मिर्च ली है ना, दिख रही है आपको। उससे आधी मैंने ये लौंग ली है, तो लौंग ऐसी फूल वाली लेना है, ऐसी बिगर फूल वाली नहीं लेना है ना, ये बिगर फूल वाली नहीं लेना है। ये देखो मैंने इसको हटा दी, इसमें फूल नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसको मध्य आँच में सेकी, आँच में मैं भून रही हूँ इसको कढ़ाई में, क्योंकि अपन मेडिकल की कितनी दवाई खाएंगे वो गर्म भी करती है, ये अच्छी रहती है ना अपनी औषधि के रूप में। अपन काली मिर्ची लौंग अपने घर में रहती है, अपन कभी भी बना के खा सकते हैं। इसको भुनी भुनी आँच में सेक लो धीरे धीरे मध्य आँच में। अरे मौसम चेंज होता है कि बस ये चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी होती है हर किसी के लिए, तो मैं जो करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। मैं ज़्यादातर दवाई मेडिकल की या डॉक्टर के पास, बहुत कम ज़्यादा होता है ना तब जाती हूँ। वैसे तो जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा होता तो डॉक्टरी दवाई की ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं है। पर जैसे हल्की फुल्की हो गई अचानक, तो अपने को रोकथाम करना है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचना है। खांसी सर्दी जुकाम बलगम होता है अपने गले,
गला दुखता है उसके लिए। सीख गई, और ये लौंग का कलर भी चेंज हो गया है ना। ये काली मिर्ची का भी, काली थी तो भूरी भूरी हो गई, इसका मतलब अपनी लौंग और काली मिर्ची सीख गई है। अब मैंने अदरक लिया है, दिख रहा है आपको, इसको मैं खाली गर्म कढ़ाई में रखूँगी, इसको सेकना नहीं है, बस सिर्फ उसके ये जो है ना बस गर्म कढ़ाई में वो रहे थोड़ी देर के लिए। और ये जो है ना सेकी ना, इसको आप खलबत्ते में भी पीस सकते हो, या तो आप नहीं खलबत्ता हो तो मिक्सी में भी निकाल सकते हो, पर मैं मिक्सी में निकालूँगी क्योंकि मेरे पास खलबत्ता नहीं है। मिक्सी में पीस लिया है, उसके बाद में साथ में मैंने ली हल्दी, और उसके बाद में ये सेंधा नमक जो अपने घर में आने पर रहता है हमेशा, वो पास में भी रहता है ना, तो ये चीज़ें अपने घरेलू उपाय है। अब ये है आपके अदरक है ना, अब इसको मैं छीलूँगी और इससे छोटी इससे किसने से उसका कद्दूकस करूँगी। और साथ में लेंगे अपन शहद, शहद भी देसी होना चाहिए, मेरा हनी है और पतंजलि वाला शहद है ये, और मैंने इसका कद्दूकस भी कर लिया अदरक का। छोटे बच्चों को देना है तो बिल्कुल थोड़ा सा देना है, मैंने एक चौथाई भाग, और जैसे बड़ों को देना है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेना है ना। और अदरक का भी कद्दूकस कर लेना है, मैंने कर लिया है। बच्चों के लिए तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को कैसे, ये मेरे लिए बना रही हूँ मैं, तो इसमें सेंधा नमक डालूँगी है ना, उसके बाद में मैं हल्दी भी डाल रही हूँ इसमें, और उसके बाद में मैं 2 चम्मच करी शहद डाल रही हूँ। ये किस में डाल रही हूँ मैं, ये अपना अदरक का कद्दूकस है ना रस, उसमें डाल रही हूँ। इसको खाली पेट लेना है सवेरे चाय पीने के 1/2 घंटे पहले, या नाइट में लेना है तो नाइट में पूरा आप पानी वानी सब पी चुके हो, या आपको कुछ खाना पीना नहीं है तो आप नाइट में लेके आप आराम कर सकते हो इसको, ये बहुत लाभदायक चीज़ है खांसी सर्दी के लिए, अपने घरेलू नुस्खा है। मैंने करके तो देखना चाहिए ना पहले, अपने घरेलू 1-2 दिन देखो कि अपने को किस लिए प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो ये चीज़ें अपने को फेस करना पड़ती है, मुझे तो करना पड़ती है। अब मैं क्या करूँगी, नाइट में ले लूँगी और फिर उसके बाद मैं पानी पीऊँगी कुछ नहीं, क्योंकि गला साफ करके अपने को सोना है, इसके लिए लाभदायक है बहुत, ये रामबाण इलाज है, आप लोग करके देखना। ये मेरे लिए बनाया मैंने क्योंकि मेरे को ऐसा हल्का हल्का लग रहा है सर्दी जुकाम, तो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। डॉक्टरी इलाज भी करना है, विकासन लेना है, और अपने घरेलू उपाय जैसे छोटी मोटी खांसी हो गई तो जरूर लेना है, बच्चों को भी देना है, बहुत लाभदायक रहता है, फिर खाली पेट लेना है, ज़रूर ट्राई करना, गला साफ हो जाता है और खांसी भी बंद हो जाती है। पर उसको खाने के बाद कुछ भी पानी वानी नहीं पीना है और ना कुछ खाना है, करके देखना ज़रूर फ़ायदा होगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, बनता है ये तो है ना, जैसा मैं करती हूँ वो उपाय करती हूँ घर में, वैसे आप लोगों को भी बताती हूँ, ठीक है। मेरे लिए बना के रखा है मैंने वो दवा, मेरे को ऐसा हल्का हल्का लग रहा है कि जुकाम होने वाला है और खांसी भी आ रही है इसके लिए। चलो बाय बाय, टाटा सी यू।